Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope you are fine. Alhamdulillah, great. Students, you know the new session has been started. Students Jasa hai had session 2000. ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू स्टार्ट हो चुका है और उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स ने बुक्स वग़ैरह खरीद ली होंगी अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक बुक्स वगैरह नहीं ख़रीदी तो उसको चाहिए कि स्कूल से जल्द अज़ जल्द, जल्द अपनी बुक्स कॉपीज कंप्लीट करें ताकि न्यू सेशन का जो काम है वो शुरू किया जाए तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि टू डेज़ सेवन था रमज़ान और मुझे उम्मीद है कि आप रमजान मुबारक की रहमतें और बरकतें अल्लाह के फ़लो करम से हासिल कर रहे होंगे और स्टूडेंट्स जो कि लास्ट लेक्चर हमने जो हमारी एसएसटी की बुक है उसके इंट्रोडक्शन पे दिया था और साथ में जो चैप्टर नंबर टू है हमारा आवर कंट्री उसका कुछ इंट्रोडक्शन था उसमें ये था कि पाकिस्तान की लोकेशन क्या है ओवर द वर्ल्ड साउथ वेस्ट नॉर्थ में और हमारे नेबर्स कौन हैं कौन कौन से कंट्रीज़ हमारे नेबर्स में आते हैं सो so, स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है हैडिंग द लैंडस्केप ऑफ़ पाकिस्तान और इसी के साथ हमारे है लिविंग एंड वर्किंग और हमारे जो प्रोविंस और एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे तो स्टूडेंट द लैंडस्केप ऑफ पाकिस्तान इस हेडिंग्स में हम ओवरऑल स्टडी करेंगे कि जो पाकिस्तान की सरज़मीन है उसका क्या हदूद अरबा है उसमें कितने रिवर्स हैं कहाँ पे फॉरेस्ट हैं कहाँ पे माउंटेन्स हैं तो ये चीदा चीदा हम स्टडी करेंगे तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स और अब हम रीडिंग करेंगे स्टूडेंट्स रीडिंग में आपको रीडिंग में की पॉइंट्स का पता होना चाहिए और इसके अलावा साथ साथ हम इसको लर्न भी करेंगे कुछ कॉपी वर्क भी होगा वो भी हम कॉपीज़ पे करेंगे तो स्टूडेंट्स इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री जो हमारे मुल्क का वस्ती हिस्सा है देर आर वाइट प्लेन विद रिच वहाँ वो एक वसी मैदानी इलाका है जिसमें क्या है जी विध रिच फरटॉइल साइल जिसमें ज़रख़ेज़ ज़मीन से भरा हुआ है वाटर्ड बाय द रिवर इंडस जो कि दरियाए दरियाए सिंध दरियाए सिंध से पानी हासिल किया जाता है एंड इस ट्राइब्यूटीज़ और उसके जो मुआा दरिया है तो स्टूडेंट्स हमारे पाकिस्तान में द बिगेस्ट रिवर इज सिंध रिवर इंडस रिवर जिसको हम दरियाए सिंध भी कहते हैं द रिवर इंडस विच स्टोर्स इन द इन द हमालियत जो दरियाए सिंध है स्टूडेंट्स ये हमालिया के पहाड़ों से स्टार्ट होता है इस जॉइंड एट मिठन कोर्ड बाय द जेलम चनाब रिवर एंड सतलेज तो ये मिठन कोट के मकाम पर इसमें बाकी जो इसके मावन दरिया हैं जैसे जेलम है चनाब है रावी है विच फ्लोज एज़ वन फ्राम पंजनद इन साउदर्न पंजाब जो कि जनूबी पंजाब है हमारा उसके पंजनद के मकाम से ये बहते हुए आते हैं दिस इज़ द एग्रीकल्चर हॉट लैंड ऑफ पाकिस्तान और ये वाला जो एरिया है, है पाकिस्तान का हॉट लैंड है किसके हवाले से एग्रीकल्चर जरी ज़मीन के हवाले से क्रॉप्स ग्रो इन द फील्ड्स एंड मैनी पीपल वर्क इन द फार्म इन द वेस्ट मगरब में स्टूडेंट्स क्या है देयर आर माउंटेन्स माउंटेंस हैं बट दीज आर एज नॉट हाई एज दोज इन द नॉर्थ लेकिन ये उतने ऊंचे नहीं हैं जितने के नॉर्थ में है देर इज़ आल्सो एन एरिया ऑफ डेजर्ट लैंड इसमें सहराई इलाका है एज देर इन जैसा कि मशरक में है देर आर नो लार्ज रिवर्स आर लेक्स इन द वेस्ट वेस्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास कोई बड़े बड़े दरिया या नदियाँ नहीं हैं बट इट हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन अलॉन्ग द अरेबियन सी लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसमें एक अरेबियन सी है हमारा जो बहरा अरब है उसमें जो साहली पट्टी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन द साउथ देर आर फॉरेस्ट साउथ में हमारे पास जंगलात हैं जो कि वे जो इंडस रिवर है उसके वेस्टर्न किनारों के साथ साथ है वाइल देर इज अ फार्मिंग ऑन द प्लान अलॉन्ग द रिवर और साथ साथ जो प्लेन्स है उनमें हम फार्मिंग करते हैं नो स्टूडेंट्स हेयर इज़ द नेक्स्ट हैडिंग देर आर लिविंग एंड वर्किंग देर आर थाउजेंड्स ऑफ विलेजेस इन पाकिस्तान स्टूडेंट्स पाकिस्तान में हज़ारों के हिसाब से विलेजेस हैं मोस्ट विलेजेस अर्न आर लिविंग बाय वर्किंग ऑन द लैंड तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो विलेजेस में रहने वाले लोग हैं वो ज़्यादातर खेतों में काम करते हैं सिंस वी नो देर आर द बेस्ट एग्रीकल्चर लैंड इज़ और हमें पता है कि हमारे पास बेहतरीन ज़री ज़मीन है वी आल्सो नो वेयर द मोस्ट पीपल लिव और हमें ये भी पता है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं दे आल्सो मेक हैंडी क्राफ्ट और वो हाथ से ची चीज़, चीज़ें बनाते हैं जिसको हम दस्तकारी कहते हैं विद लोकली प्रोड्यूस मटीरियल और स्टूडेंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि उसमें जो मटीरियल इस्तेमाल होता है रा मटीरियल वो भी मकामी तौर पर तैयार किया देर आर आर लिमिटेड नंबर ऑफ स्कूल्स हॉस्पिटल रोड्स एंड मॉड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द विज समझाब हैव ग्रोन इन टू लास्ट टाउंड तो जो प्रोविंस सिंध और पंजाब है उसमें से बहुत से विलजिज़ अब टाउंस में कन्वर्ट हो चुके हैं एंड सिटीज़ इवन दो के सिटीज़ का दर्जा मिल गया है विद द टॉल बिल्डिंग क्योंकि वहाँ पे बड़ी बड़ी इमारतें हैं ऑफिसज़ हैं हाउसिस एंड फैक्ट्रीज़ द दिटीज़ ऑन द क्राउडेड एंड बिजीज तो हमारे जो सिटी इलाके हैं उसमें यह है कि वो पुर हजूम होते हैं और बहुत ज़्यादा आबादी वाले इस तरह ये हमें एक मैप भी दिया गया है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पे ये वाले जो स्टूडेंट्स इलाके हैं ये बताए गए हैं कि इनमें कितनी आबादी रहती है पर स्क्वायर किलोमीटर में इस मैप को भी हमने डीपली स्टडी करना होगा और इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास है अब नेक्स्ट हेडिंग है प्रोविंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज ऑफ पाकिस्तान द फेडरल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज़ इस्लामाबाद स्टूडेंट्स आपको पता है कि हमारा जो फेडरल कैपिटल है वो इस्लामाबाद है इन एडिशन टू द इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी कैपिटल टेरिटरी में अगर हम देखें तो उसमें क्या क्या है एंड द फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एरिया जो हमारा फेडरल कैपिटल है उसमें स्टूडेंट्स एक तो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी आता है और सेकेंडली वो इलाका जात जो कि फेडरल के ज़ेर इंतज़ाम है जिनको हम फाटा कहते हैं पाकिस्तान हैज़ फोर प्रोविंस उसमें हमारे फोर प्रोविंस हैं बलूचिस्तान खैबर को पंजाब एंड सीन गलग इन आल्फ़ फेडरली एडमिनिस्ट्ररिया ये भी एक फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है जिसको हम डिफेक्टो प्रोविंस भी कहते हैं तो स्टूडेंट्स इसी के साथ साथ आपने ये क्वेश्चन करना हो ये वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो आपको इस्लामाबाद में मिलेंगी इनमें से मैंने क्वेश्चन आपने कॉपी भी करना राइट एनी फाइव इंपॉर्टेंट प्लेसेस इनमें से कोई फाइव प्लेसेस आपने अपनी कॉपी वर्क में करना होगी और इसको लर्न भी करना होगा इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास है पंजाब ठीक है सो पंजाब इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलेटेड प्रोविंस ऑफ द पाकिस्तान पंजाब पाकिस्तान का दूसरा बड़ा और सबसे ज़्यादा आबादी वाला सूबा है इट इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ रिवर्स और इसको इन शार्ट दरियाओं की सरजमीन भी कहते हैं एज़ फोर ऑफ़ द फाइव मेजर रिवर्स इंक्लूडिंग द रिवर इंडस फ्लो थ्रू इट तो जो हमारे बड़े पांच दरिया हैं मुल्क के उनमें से स्टूडेंट्स जो फोर हैं वो फ्लोट इन द पंजाब सो एग्रीकल्चर इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ पंजाब इकानमी हमारी जो पंजाब की इकानमी है उसमें एग्रीकल्चर मेन है क्रॉप्स सच एज व्हीट कॉटन शुगर ये वो क्रॉप्स हैं जो पंजाब में उगाई जाती हैं स्टूडेंट्स शुगर केन एंड राइस आर ग्रोन मैंगोज एंड ऑरेंजेस आर ऑल्सो ग्रोन ऑन लार्ज स्केल स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता है मैंगोज और ऑरेंजेस आप शौक से खाते भी होंगे तो वो भी लार्ज स्केल पे यहाँ पे उगाए जाते हैं शीशम पाइपल पिपल एंड मैनी अदर ट्रीज कामनली ग्रोन हेयर छांगा मांगा मेन मेड मैन मेड फॉरेस्ट स्टूडेंट्स ये भी इम्पोर्टेंट चाहिए कि जो छांगा मांगा फॉरेस्ट है ये भी पाकिस्तान को बनने के बाद इसको बनाया गया इसलिए इसको मैन मेड फॉरेस्ट कहते हैं एंड लाल सहनरा रेजरवर फॉरेस्ट और आल्सो इन पंजाब पंजाब इज़ आल्सो द मोस्ट अर्बनाइज एंड प्रोविंस इन पाकिस्तान तो ये एक शहरी और इंडस्ट्रियल सूबा है पाकिस्तान का द कैपिटल ऑफ पंजाब इज़ लाहौर इसका कैपिटल लाहौर है तो स्टूडेंट्स इस तरह आपने ये पंजाब वाला भी कंप्लीट करना है और यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन है स्टूडेंट राइट एनी टेन इम्पोर्टेंट थिंग इम्पोर्टेंट प्लेसेस ये भी कॉपी वर्क है ये वो थिंग्स हैं जो पंजाब में पाई जाती हैं स्टूडेंट्स इनमें से कोई टेन आपने कॉपी वर्क में लिखनी होगी इससे स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन है जी विच एरियाज ऑफ पाकिस्तान आर मोस्ट पॉपुलेटेड एंड लीस्ट पॉपुलेटेड यूज़ द मैप टेन पेज नंबर टेन पे तो स्टूडेंट्स ये जो पेज नंबर टेन पे हमारे पास मैप दिया हुआ है इसमें ये वाले जो कलर है ये मोस्ट पॉपुलेटेड है और ये इसमें अगर आप देखें तो ये कलर और ये वाले कलर जो हैं या ये, ये दो कलर्स ये हम कहेंगे लीस्ट पॉपुलेटेड तो होप स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर की समझ आई होगी इफ सम स्टूडेंट्स फील डिफिकल्टी यू कैन कॉन्टेक्ट मी further information. Assalamu alaikum.